नमस्कार, मैं रचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी श्रीनगर में पीएम मोदी के दिए धमाकेदार बयान की, बहराइच में भेड़िये के फिर बढ़े आतंक की, लेबनान में हो रहे हमले पर दूसरे देशों की आई प्रतिक्रिया की, और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव के दिए बयान की, और आज की उन सभी मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस और एनसी ने नदियों का पानी पाक में बहने दिया, जम्मू में पीएम मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जम्मू के कटरा में एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने चुनावी रैली से कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। बंगाल की बाढ़ में सीएम ममता ने बताया साजिश वाला एंगल, झारखंड बॉर्डर भी 3 दिन तक किया बंद। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और राज्य में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि बंगाल सीएम ने दामोदर घाटी कॉरपोरेशन बांधों की ट्रेजिंग करने में केंद्र के विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि इसके परिणाम स्वरूप पीछे से पानी छोड़ने के चक्कर में राज्य में कई जगह बाढ़ आ गई। पहले अपना मुल्क संभालो आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला की पाक रक्षा मंत्री को दो टू। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर कड़ा एतराज जताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान पहले अपना मुल्क संभाले, उन्हें हमारे चुनाव को लेकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पन्नू की हत्या की साजिश में अमेरिकी कोर्ट का भारत सरकार को समन, विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के संबंध में अमेरिका की अदालत ने भारत सरकार और शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किया। इस पर केंद्र ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक बयान में कहा, जैसा कि हमने पहले कहा कि ये पूरी तरीके से अनुचित और निराधार आरोप है, जब ये विशेष मामला दर्ज हुआ तो इस बारे में हमारे विचार नहीं बदलेंगे। शेयर बाजार में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली, सेंसेक्स 236 अंक ऊपर बंद, निफ्टी 25,450 के नीचे। बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स 236 अंक चढ़कर 83,184 अंक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 38 अंक बढ़कर 25,415 पर पहुंच गया। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल शिकारपुरा थाने के पास बालाजी नगर में जैसे ही गणेश जी की प्रतिमा लेकर यात्रा निकली, वैसे ही पास में खड़े नंदी ने भगवान गणेश को घुटने टेक कर प्रणाम किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। गणेश चतुर्थी के मौके पर पूरा देश गणपति बप्पा के रंग में रंगा हुआ था। हर तरफ भक्ति का माहौल था और लोग बड़े ही धूमधाम से बप्पा का विसर्जन कर रहे थे। इस बीच बुरहानपुर में एक अनोखी घटना देखकर हर कोई हैरान रह गया। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे और तीसरे फेज की वोटिंग 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होनी है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने जम्मू के कटरा में एक रैली को संबोधित किया।
पीएम ने चुनावी रैली से कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही विपक्षी पार्टी पर हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अलगाववाद, आतंकवाद कमजोर हुआ है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने दिया, लेकिन हमने बांध बनाए। भाजपा जम्मू के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने कई साल तक नजरअंदाज किया। पीडीपी, कांग्रेस और एनसी ने हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। सीमा पार से हमारे दुश्मनों ने उनकी नीतियों का फायदा उठाया। कटरा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार शाहपुर कंडी बांध बनाने में विफल रही। हमने शाहपुर कंडी बांध बनाया, इससे जम्मू कश्मीर के हजारों किसानों को नई जिंदगी मिलेगी। साथ ही जम्मू में 4 नई बड़ी बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र में अच्छी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव था, लेकिन हमने अपने पूरे वादे किए हैं। रियासी में जिला अस्पताल अब अच्छी तरह से काम कर रहा है। उधमपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। हम जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करेंगे। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। ये अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और दर्जनों लोगों को घायल कर चुके हैं। वन विभाग के मुताबिक 5 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और अब सिर्फ 1 लंगड़ा भेड़िया बचा है, क्योंकि बाकी के 5 पकड़ लिए गए हैं। लेकिन इसी बीच बहसी तहसील के ग्रामीणों ने ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर कोई भी सख्ते में आ सकता है। जी हाँ, कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने भेड़ियों के एक नए झुंड को देखा है, जिसमें लंगड़ा भेड़िया भी शामिल है। ऐसे में 5 आदमखोर भेड़िए के पकड़े जाने के बाद थोड़ी राहत महसूस कर रहे लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए हैं। सही सुना आपने, हालांकि वन विभाग ने इसे दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने जांच के बाद ही पुष्टि करने की बात कही है। वन विभाग ने आशंका भी जताई है कि भेड़ियों का ये झुंड अगर नरभक्षी नहीं है, फिर भी इसे पकड़ने की कवायद हुई, तो ये भेड़िए भी बदले की भावना से इंसानों पर हमलावर होकर एक नई समस्या खड़ी कर सकते हैं। बता दें कि 6 भेड़ियों के झुंड ने बहराइच के कई गांव के निवासियों को आतंकित कर रखा था। इन भेड़ियों ने जुलाई के मध्य से 7 बच्चों सहित 9 लोगों को मार डाला और 20 से अधिक को घायल कर दिया। इनमें से 5 को ऑपरेशन भेड़िया अभियान के तहत पकड़ लिया गया है, जबकि 6 भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास अभी तक जारी है। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लेबनान में बीते 2 दिनों से सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले दिन मंगलवार देर दोपहर को 5,000 पेजर में ब्लास्ट हुए, तो दूसरे दिन वॉकी चौकी और सोलर सिस्टम पैनलों में धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है और 4,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मरने वालों और घायलों में ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्ला के लड़ाके शामिल हैं। इन हमलों के लिए हिजबुल्ला ने इसराइल को जिम्मेदार बताया है। लेबनान पर इस तरह के हमलों की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। मुस्लिम देशों की तरफ से भी इन हमलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। जी हाँ, मुस्लिम बाहुल्य देश तुर्की ने लेबनान में हुए ब्लास्ट की कड़ी निंदा की है। राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने लेबनान में पेजर धमाकों पर दुख जताया और कहा कि क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ाने के लिए इसराइल की कोशिशें अत्यंत खतरनाक हैं। तो वही पेजर में हमले में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी घायल हुए हैं। ब्लास्ट में उन्होंने अपनी एक आंख खो दी और उनकी दूसरी आंख बुरी तरीके से जख्मी है। वहां पेजर ब्लास्ट को लेकर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वे पेजर ब्लास्ट के बाद ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदार अल सऊद ने एक इंटरव्यू के दौरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम देश इराक ने लेबनान पर इजरायली हमले की निंदा की है तथा पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की पेशकश की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने बिना इजरायल का नाम लिए हमले की निंदा की। वहीं यमन के सशस्त्र बल ने लेबनान में हिजबुल्ला के साथ अपनी एकजुटता जताते हुए इजरायल के हमले को कायरतापूर्ण बताया है। जाहिर है लेबनान इन दिनों अलग ही तरह की मुश्किलों में फंसा हुआ है। उन पर किसी ने हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी धमाकों से लोग मर रहे हैं। पेजर ब्लास्ट की गुत्थी अभी सुलझ भी नहीं पाई थी कि इन सब के बाद सवाल यही है कि लेबनान में आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे अचानक से ये सब होने लगा।
17 सितंबर को एक के बाद एक सैकड़ों पेजर में धमाके हुए। लेबनान में हो रही घटनाओं से एक और जंग का डर सताने लगा है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कल केंद्र सरकार ने जब से वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दी है, विपक्षी दल उन पर हमलावर है। आज गुरुवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वन नेशन वन इलेक्शन सहित तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ी साजिश है, इसे सबको उलझाने की कोशिश हो रही है। महिला आरक्षण की बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार इसे लागू कर पाएगी। रिपोर्ट में सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 18,626 पेज की रिपोर्ट 191 दिनों में तैयार हुई, यानी हर दिन 100 पेज की रिपोर्ट बनाई गई है। ये भाजपाई रिपोर्ट है। तंज कसते हुए कहा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन डोनेशन है। वक्त बिल पर अपनी पार्टी की राय रखते हुए उन्होंने कहा कि किसी के धार्मिक कार्यों में सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के बयान आजकल अलग 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 तरीकों से आ रहे हैं। मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे शब्दों के भाव को वो मठाधीश मुख्यमंत्री की तरह ले रहे हैं। जब से बीजेपी हारी है तब से सीएम का संतुलन बिगड़ गया है। वहीं अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस आरजेडी आप सहित सभी विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। जाहिर है मोदी कैबिनेट ने एक दिग्गज एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे दो चरण में लागू करने का प्लान है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इन चुनाव के बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव यानी पंचायत और निगम के चुनाव होंगे। चुनाव के लिए एक वोटर लिस्ट होगी। सरकार का कहना है कि इसको लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन समूह बनाएगी। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के एक दिन बाद यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में महारैली को संबोधित किया। श्रीनगर में वीरवार को महारैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की सबका उद्देश्य है, इसी पैगाम के साथ आपके बीच आया हूं। वहीं गया में जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के आवास पर एनआईए ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन सामने आ रहा है। वहीं बिहार के नवादा जिले में भूमि विवाद को लेकर कई मकानों को आग लगाने से संबंधित मामलों में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मांझी टोला में कल रात लोगों के एक समूह ने 21 मकानों में तथाकथित तौर पर आग लगा दी। वहीं बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में शिवदीप की पोस्टिंग आईजी पूर्णिया रेंज के पद पर हुई थी। शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। वहीं अखिलेश यादव ने बहराइच में भेड़िए के हमले में मृतक परिवारों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। इसमें बीजेपी ने हरियाणा की जनता से 20 वादे किए हैं। रोहतक में घोषणा पत्र जारी करते समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सलमान खान के परिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार फिर डराने की कोशिश की है। दबंग खान के पिता सलीम खान को मॉर्निंग वॉक के दौरान किसी अनजान महिला ने बुरके में आकर धमकी दी है। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जमानत की मांग वाली याचिका पर ईडी से 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। नवादा मामले में सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की और नवादा में कथित आगजनी की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी विधायक मुनि रत्ना के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। एक पर्सनल रिजॉर्ट में रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई नहीं हो पाई।
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत में साक्ष्य के आधार पर आज सुनवाई होनी थी। वहीं सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पिता और बॉलीवुड में कई लोगों के कैरियर को उड़ान देने वाले जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर विपिन रेशमिया का बीती रात निधन हो गया। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। देश के नेताओं ने समस्याओं का आसान रास्ता तलाश कर रखा है। जब भी किसी समस्या से सामना हो तो कानून बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो। समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किंतु वहां तक पहुंचने और व्यावहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही है। मसलन कानून बनाकर जिम्मेदारी पूरी कर ली। ममता सरकार ने विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। विधेयक के मसौदे में बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में ऐसे दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए और उन्हें पैरोल की सुविधा ना दी जाए। गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन उसके बाद 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। साल 2013 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया, जिसका मकसद राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करना था, मगर इसका अभी तक पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि भारत में हर 3 घंटे में महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, यानी हर 20 मिनट में बलात्कार की एक घटना। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, जबकि बाकी बरी हो जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद भी हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कन्विक्शन रेट बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल हैं। इन आंकड़ों से जाहिर है कि निर्भया कांड के बाद भी देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की तस्वीर नहीं बदली है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक नहीं सोते।